कार्तिक शुक्ल की वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर रात 11 बजे बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर भगवान विष्णु से गोपाल मंदिर मिलने पहुंचे। कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी यानी वैकुंठ चतुर्दशी पर शनिवार को ठीक रात 12 बजे हुए हरि से हर का मिलन। रात 11 बजे बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर लाव लश्कर के साथ भगवान विष्णु हरि से मिलने गोपाल मंदिर पहुंचे। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण प्रशासन ने आयोजन सादगी से करवाने का निर्णय लिया। सवारी में केवल पुजारी, पालकी उठाने वाले कहार और ड्यूटी पर तैनात अधिकारी कर्मचारी ही शामिल हो सके। किसी भी तरह की भीड़ को धारा 144 का पालन करते हुए एकत्रित नहीं होने दिया। आतिशबाजी, हिंगोट चलाने पर भी इस वर्ष पूर्णतः प्रतिबंध रहा। दरअसल सदियों से चली आ रही परंपरा का इस वर्ष भी विधि पूर्वक निर्वहन किया गया। हर वर्ष वैकुंठ चतुर्दशी पर राजाधिराज ठीक रात 11 बजे मंदिर प्रांगण से शासकीय पूजन पाठ के बाद श्री कृष्ण विष्णु के धाम गोपाल मंदिर पहुंचे, जहां दोनों देवताओं का मिलन हुआ और करीब एक घंटे तक विधि विधान से पूजन हुआ। भगवान महाकाल की ओर से गोपाल जी को बिल्व पत्र की माला अर्पित की गई। वहीं गोपाल जी की ओर से महाकाल को तुलसी की माला पहनाई गई, जिसे हरि से हर के मिलन के रूप में देखा जाता है, जिसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। लेकिन कोविड के चलते इस वर्ष श्रद्धालुओं के दर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध किया गया था। कोरोना काल के चलते इस वर्ष कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी करते हुए वह मीडिया से चर्चा के दौरान कहा था कि शासकीय गाइडलाइन के अनुसार धारा 144 का उपयोग करते हुए धार्मिक व सामाजिक जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही हरि से हर के मिलन पर भी किसी भी श्रद्धालु को आने नहीं दिया जाएगा। सभी के भाग लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। हरिहर मिलन से पहले आसपास के घरों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिससे माहौल शांतिमय बना रहे और मंदिर के पुजारियों द्वारा ही परंपरा का निर्वहन हो सके, जो आज देखने को मिला भी। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर तक सवारी मार्ग को बैरिकेड से बंद कर दिया। इसके साथ ही आम आदमी को महाकाल की सवारी में आने पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। शनिवार रात गोपाल मंदिर में हरिहर मिलन हुआ। कोरोना संक्रमण के चलते कड़ी सुरक्षा के बीच महाकालेश्वर मंदिर से भगवान महाकाल की सवारी निकली। इस दौरान पुजारियों और श्रद्धालुओं की संख्या भी बेहद सीमित रखी गई। पूरे मार्ग में भारी पुलिस बल तैनात रहा। मार्ग को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हालांकि कुछ जगहों पर सवारी जरूर रुकी, जिसके बाद पालकी में सवार राजाधिराज महाकाल समय पर गोपाल मंदिर पहुंचे। सवारी के गोपाल मंदिर पहुंचने पर परंपरा अनुसार दोनों मंदिर के पुजारियों ने मध्य रात्रि में हरिहर मिलन कराया। पंडे पुजारियों ने भगवान महाकाल व गोपाल जी का पंचामृत अभिषेक कर पूजन किया। महाकाल की ओर से गोपाल जी को बिल्व पत्र तथा गोपाल जी की ओर से महाकाल को तुलसी की माला अर्पित की गई। महाकाल मंदिर के पुजारी गोपाल जी के लिए मिष्ठान, सूखे मेवे तथा मौसमी फलों की भेंट लेकर आए थे। पूजन पश्चात इन्हें प्रसाद स्वरूप पूजन के दौरान मौजूद भक्तों को बांटा गया। पूजा अर्चना के बाद सवारी फिर महाकाल मंदिर पहुंची। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। अवंतिका नगरी का अपना एक उदाहरण है और सप्तपुरी जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अवंतिका को माना गया, इसीलिए यहाँ की हर परंपरा का एक महत्व है।
आज जो वैकुंठ चतुर्दशी है, इस वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव, भगवान महाकाल, कालों के काल, यहाँ भगवान के वैष्णव मंदिर, जो शिव जो कृष्ण मंदिर के रूप में गोपाल मंदिर होता है, अपना जो भार जो 4 महीने का उनका जो होता है, संहार का भी और पालन का भी, वो पालन का जो भार है आज विष्णु को सौंपने के लिए मंदिर में आए और वो भार भगवान विष्णु को सौंपा जा रहा है। ये एक परंपरा है और देश में इस परंपरा को इसलिए अवंतिका में मनाया जाता है कि पूरा देश इस संस्कृति को माने कि शिव और वैष्णव दोनों ही एक देव है, आत्मा और शरीर दोनों एक है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का वैष्णव और शिव में भेद नहीं है। ये यहाँ से एक संस्कृति का जो पूरे देश के लिए जो संदेश है, ये यहाँ इन मंदिरों से दिया जाता है।